देवघर में रघुवर सरकार बुनकरों को नई तकनीक से जोड़ने जा रही है, जिससे कि 25,000 बुनकरों को फायदा होगा। सरकार की पहल से बुनकर नई तकनीक के जरिए नए आयाम कायम कर रहे हैं। रघुवर सरकार की पहल से आज देवघर समेत पूरे संथाल परगना के बुनकरों के दिन बदलने वाले हैं। देवघर के शिल्प ग्राम में भारत सरकार का उपक्रम मेगा क्लस्टर के तहत वैल्यू एडिशन सेंटर मार्केट स्टूडियो की स्थापना की जा रही है, जिसका काम आखिरी दौर पर चल रहा है, जिससे 25,000 बुनकरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। सरकार इन बुनकरों को तकनीक के साथ साथ नई डिजाइन भी सिखाने जा रही है। जो पूरे गुर्जा क्षेत्र के नाम से संथाल पड़ना के लिए चले, जिसमें 25,000 बुनकरों को कवर किया जाए, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, वैल्यू एडिशन सेंटर, डाइंग यूनिट और डिज़ाइन स्टूडियो का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि उनको हर तरह का टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन का हर तरह का एक मदद हम दे सकें। देवघर के देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद में 500 से ज्यादा बुनकर रहते हैं और उचित व्यवस्था नहीं होने पर 80% से ज्यादा बुनकर पलायन कर रोजगार के तलाश में निकल चुके हैं। और इसी को रोकने के लिए सरकार बुनकरों के लिए कई योजनाओं के साथ साथ कई प्रोजेक्ट भी चला रही है, जिससे बुनकरों तक हर सहूलियत पहुंचे। फायदा तो जरूर होगा, कुछ कारीगर को वहां भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कि नया चीज सीख के आवे। फिलहाल यहाँ चल रहा है, इसको हम बढ़ाने का कोशिश किए हैं। कम से कम 10 गुल्लू में है, 80 आदमी यहाँ काम कर सकता है इस वक्त। पहले तो सर कर रहा था 100-300 आदमी काम, यही कालीन वाला काम हो रहा था। अच्छा, हाँ सर, ये तो बाहर सप्लाई होता है, कालीन इसलिए मशहूर है। हाँ, आदमी जैसे विदेश का आदमी ज़्यादा पसंद करता है डिजाइन जो बनता है इसलिए। अभी 10-12 है, ये देश विदेश जाता है, अमेरिका, सऊदी अरब, जम्मू कश्मीर। बुनकर कॉम्प्लेक्स डिजाइन स्टूडियो से सीधे रोजगार से जुड़ पाएंगे, इसके लिए सरकार बकायदे ट्रेनिंग भी देने जा रही है। रघुवर सरकार की कोशिश से आज राज्य के हर शख्स तक रोजगार पहुँच रहा है, हर नागरिक तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।